नमस्कार। अभी सोशल मीडिया पर हमने एक प्रयोग किया है, एक बेतुका सा या एक ऐसा प्रयोग जिसको कह सकते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता तो थी नहीं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बेसिर पैर की बात, कुछ भी सोच सकते हैं। आइए बताते हैं इसके बारे में कौन सा प्रयोग हमने किया। आप सभी सोशल मीडिया में फेसबुक और व्हाट्सएप का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। उनमें भी अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो व्हाट्सएप का प्रयोग हम सभी ज़्यादा करते हैं, और व्हाट्सएप में भी जो शुरुआती तौर में व्हाट्सएप चला था उस दौरान जो फीचर्स थे, और उनमें जो बाद में फीचर स्टेटस का जो फीचर आया, वो शुरुआत में तो जो है इसका बहुत ही सामान्य, बहुत ही कम लोग प्रयोग करते थे। लेकिन आज के दौर में अगर बात करें हम लोग व्हाट्सएप की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की, तो उसमें जो स्टेटस हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपसी संबंधों को बरकरार रखने में, और एक सामाजिक इंटरेक्शन के रूप में स्टेटस का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो हम सभी व्हाट्सएप पर स्टेटस देखते हैं, जिनके नंबर्स एक दूसरे के मोबाइल में सेव रहते हैं, उनमें ज़्यादातर हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्किल के लोग और हमारे संपर्क क्षेत्र में आने वाले लोग होते हैं, व्यावसायिक संपर्क के क्षेत्र के लोग आदि आदि सब होते हैं। तो स्टेटस डेली के रूटीन में जो जितने लोग व्हाट्सएप यूज़र्स हैं, एक बड़ी संख्या उनकी है जो प्रतिदिन स्टेटस देखते हैं और प्रायः देखते हैं। खाली समय में हुए तो जैसे इंस्टाग्राम की रील चला रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो उसी प्रकार स्टेटस भी सहज ही हम लोग देखने लगते हैं। मोबाइल खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, कोई ज़रूरी काम हुआ उसको देख लिया, और स्टेटस देखना एक ऑटोमेटिकली हो जाता है कि हम लोग स्टेटस देखते रहते हैं। तो स्टेटस के लिए हमने एक प्रयोग किया है। हमने स्टेटस पर अपने एक पोस्ट डाली थी कि जो हमारा स्टेटस अब निःशुल्क नहीं उपलब्ध रहेगा। आप सोचेंगे निःशुल्क जैसी क्या बात है, स्टेटस तो निःशुल्क होता ही है। हाँ, स्टेटस तो निःशुल्क होता ही है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि जो हमारा स्टेटस अब है व्हाट्सएप का स्टेटस, जो लोग हमारा एक सब्सक्रिप्शन लेंगे उन्हीं को दिखाई पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन माने कुछ मूल्य चुकाना, जैसे तमाम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, तमाम सेवाएँ हैं, तमाम टीवी चैनल्स के भी सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो वैसे हमने अपने व्हाट्सएप के लिए जारी कर दिया एक पोस्ट कि ये हमारे व्हाट्सएप अब आप लोगों को तभी दिखेंगे जब आप हमसे व्हाट्सएप देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अजीब लगने वाली बात थी, क्योंकि ये व्हाट्सएप स्टेटस के लिए कोई सब्सक्रिप्शन, ऐसी तो बात पहली बार लोगों ने सुनी। तो जब लोगों ने इसको देखा तो ज़्यादातर लोगों ने इसको एक हंसी मजाक के रूप में लिया कि ये तो कोई मजाक है। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा शायद व्हाट्सएप ने भी कुछ ऐसा जारी किया हो स्टेटस के लिए, अब सब्सक्रिप्शन व्हाट्सएप लेने जा रहा हो, ऐसा कुछ जारी कर रहा हो। कुछ लोगों ने ऐसा समझा कि शायद व्हाट्सएप की ओर से कुछ ऐसा नया फीचर आ रहा है उसके बारे में लिखा गया है। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हमने जब ये जारी किया और तो कुछ लोगों के रिएक्शंस आए, जैसे कि मानो उन्हें मजाक लगा हो, मजाक वाली इमोजी उन्होंने रिप्लाई की कुछ लोगों ने। तो हमें लगा हाँ, शायद लोगों को लगा है कि ये तो एक मजाक है। कभी कभार स्टेटस पर भी हम लोग मजाक कर लिया करते हैं, हम भी करते हैं कुछ हंसी मजाक की बातें, तो उस पर भी हो सकता है लोगों ने लिया हो। तो अगले दिन हमने स्टेटस फिर से लगाया कि ये जो सब्सक्रिप्शन वाली बात हमने कही है ये मजाक में नहीं है, रियल में ऐसा होने वाला है, सब्सक्राइब्ड लोगों को ही ये दिखाई पड़ेगा स्टेटस हमारा। तो अगर हम अपनी बात करें तो करीब हमें लगता है 200 के आसपास लोग तो देखते हैं स्टेटस व्हाट्सएप पर। तो इस स्टेटस की ये प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से रही, मतलब नहीं रही, प्रतिक्रिया नहीं रही, लोगों ने इस पर ज़्यादातर कोई प्रतिक्रिया की नहीं, और हमने सोचा देखें शायद क्या विचार लोग अपना प्रकट करें। तो ज़्यादातर लोगों ने इसमें कोई, जो भी किया लोगों ने, पढ़ा हो, सोचा हो अपने स्तर से इसका, जो भी अर्थ निकाला हो, लेकिन सब्सक्राइब करके कुछ लोगों ने हाँ पूछा ज़रूर इस टाइप से कि ये क्या है भाई, जो है कुछ लोगों ने पूछा सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से होगा,
कितने रुपए में होगा, एक आध लोगों ने ये पूछा सब्सक्रिप्शन कैसा क्या है, और ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-4-5 लोगों तक ही है ये। कुल मिला के पूरे बात का सारांश ये रहा कि करीब 200 या 200 से अधिक भी जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं परिजन हमारे, उसमें जाहिर सी बात है कुछ मित्र मंडली के लोग भी होंगे, कुछ स्वजन लोग भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें शुभचिंतक माना जाता है, जिनसे अच्छे संबंध हैं, कुछ परिवार के लोग भी होंगे और हैं, तो ये सारे लोग हैं। इन सभी लोगों में से केवल दो तीन लोगों ने केवल जो है अपनी इच्छा जाहिर की, सहमति प्रकट की कि हाँ भाई हम सब्सक्रिप्शन भी लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेकर भी स्टेटस देखना पसंद करेंगे। तो बड़ी आश्चर्य की बात थी कि इतने लोगों में से 200 लोगों की सूची में से केवल 2 लोग तैयार हुए कि हम सब्सक्रिप्शन लेकर भी स्टेटस देखना पसंद करेंगे। और ये जो 2 लोग थे, ये इनमें से हमारी कोई जो इष्ट मित्र जिन्हें समझा जाता है, ये उनमें से कोई लोग नहीं थे, जिनसे अच्छे संबंध हैं, डेली की बातचीत होती रहती है, कोई ना कोई काम जिनसे लगा रहता है, इन लोगों में से भी ये कोई 2 लोग नहीं थे। यहाँ तक कि जो अपने परिवार के मेंबर्स कह जाते हैं, अपने घर परिवार के लोग कह जाते हैं, इनमें से भी कोई नहीं था। तो कई इस प्रयोग के माध्यम से कई चीज़ें हम जानना चाहते थे, और लेकिन इस ये जो प्रयोग था, ये जो हम जानना चाहते थे, उसके अतिरिक्त भी कई चीज़ें हमको जो है बता गया, दिखा गया। और एक तो ये बात जाहिर होती है कि स्टेटस, आपका स्टेटस लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता, दिख गया नहीं दिखा तो एक तो सोच लोगों की ये भी रही होगी इसके पीछे ना रिप्लाई करने की कोई, कि क्या है अपना, दिखेगा, दिख जाता है तो देख लेते हैं, नहीं भी दिखेगा तो कोई बात नहीं। तो एक तो ये प्रेरणा रही कि हम लोग स्टेटस, जो अपनी स्टेटस के बारे में हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोगों के ज़्यादातर स्टेटस होते हैं वो अपने से संबंधित या तो होते हैं, अपनी जानकारी से संबंधित, अपनी उपलब्धियों को दिखाने से संबंधित, अपनी हर्ष, अपनी वेदना, अपने दुख, अपने मूड को प्रदर्शित करने के लिए ज़्यादातर स्टेटस का प्रयोग होता है। और कहीं दूसरों के बारे में भी अगर कोई स्टेटस है तो ज़्यादातर उसमें अपने को ही केंद्रित करके उसको लगाया जा सकता है। मान लिया आपने कोई विचार पोस्ट किया, कहीं का कोई विचार फॉरवर्ड करके आपने अपने स्टेटस पर लगाया, तो एक तो आपके अंदर ये विचार रहता है कि इस विचार के माध्यम से एक अच्छा विचार समाज में फैल जाएगा, लोगों को अच्छा विचार एक मिल जाएगा, और लेकिन उसमें भी अपना छिपा रहता है, जो चीज़ एक छिपी रहती चीज़, वो उसके पीछे हम कहीं ना कहीं ये सिद्ध करते हैं कि हम अच्छे विचार से जुड़े हुए हैं। जब हम कोई पोस्ट लगाते हैं, अच्छी पोस्ट प्रेषित करते हैं, तो उसके पीछे भावना रहती है कि ये लाइक्स इसमें कितने हैं, कितने लोग इसको पसंद करेंगे, और जब उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तो एक हम अपने आप में अनुमान लगाते हैं कि हमको अच्छा समझा गया, भले वो पोस्ट कहीं से हम लाए थे, लगाई थी, लेकिन चूंकि हमारे माध्यम से लगाई गई इसलिए कम से कम इतना तो प्रदर्शित हुआ कि हमारे विचार किन विचारों से मेल खाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम उसमें अच्छा सिद्ध करते हैं स्टेटस के माध्यम से। तो कुल मिला के जो हमारे स्टेटस लगते हैं, या कोई हमने कोई महत्वपूर्ण जानकारी लगा दी, कोई भी दैनिक जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी हम ज़्यादातर लगा देते हैं, कोई बीमारी से संबंधित है, कोई पॉलिटिक्स खेल जगत से, कोई हरतंगेज समाचार, ज़्यादातर कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की चीज़ अगर हम कोई लगा देते हैं तो उसमें भी थोड़ा वैसा अनुभव करते हैं। उसमें क्या अच्छा अनुभव करते हैं, उसमें ये अच्छा अनुभव करते हैं कि कोई न्यूज़ हमारे माध्यम से अगर सबसे पहले कोई जानने को पा जाए, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे हमने देखी, उसको तुरंत अपने मोबाइल पे डाल दिया, हमारे स्टेटस के माध्यम से ज़्यादातर ऐसे लोगों तक पहुंची जो आपके स्टेटस से पहले उन तक नहीं पहुंची थी, तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं आपके पास ज़्यादा पहुंच जाती हैं, तब भी अपने अंदर एक ये भाव रहता है कि कोई भी सूचना हमने समाज में सबसे पहले हमने प्रेषित की स्टेटस पे लगा करके, तो वहाँ भी अपनी ही उसमें बात रहती है कि अपने को ही सिद्ध करना है कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ हमने पहले लोगों तक उपलब्ध करा दी। तो ये चीज़ रही। तो इन तमाम चीज़ों को हम महत्वपूर्ण समझा करते हैं, लेकिन अगर ये हम ना भी करें तो इससे औरों को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तो ये बात आई, आदमी अपना
अपनी चीज़ों को, या कहें कि किसी चीज़ को ख़रीदना तब चाहता है या किसी चीज़ के लिए पेमेंट तब करना चाहता है जब उसको लगता है कि वो चीज़ उसके लिए कोई काम की या महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे मोबाइल रिचार्ज है, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, तो वो उसको रिचार्ज करवाएगा, सब्सक्रिप्शन लेगा। टीवी चैनल्स हैं, तमाम यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिनको लगता है कि उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बिना उनका काम नहीं चलेगा, तो उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इस प्रकार से चलता है। तो व्हाट्सएप स्टेटस की अगर हम बात करें, जिनको हम लोग महत्वपूर्ण समझते हैं, खास कर से हमारी युवा पीढ़ी में, जो यूथ्स के बीच में स्टेटस लगाने का जो एक क्रेज़ है, तो हम लोग समझते हैं कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम हो रहा है। अगर ऐसा प्रयोग आप भी करके देखते, हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करिए, कि हमारे प्रयोग के माध्यम से आप जो है समझ सकते हैं, हमारे जो स्टेटस रहते हैं उसमें ज़्यादातर जो जानकारियाँ रहती हैं वो गायत्री परिवार से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में। तो कम से कम हमारी कम से कम 50% से तो ज़्यादा जो स्टेटस हमारे रहते हैं वो गायत्री परिवार की सूचनाओं, गतिविधियों से ही संबंधित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जानकारी या किसी जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, उनके काम के होते हैं। तो उसके बावजूद भी देखिए, कोई जो है सब्सक्राइब करके इस चैनल को स्टेटस देखने के लिए किसी ने इच्छा जाहिर नहीं की है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सब भी अपने बारे में सोचें कि हमारे स्टेटस औरों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, हम कुछ तूफ़ानी लगा देते हैं, अपनी सूचना डाल देते हैं, सेलिब्रेशन डाल देते हैं, हम कहाँ गए, क्या किया, तमाम चीज़ें हम डाल देते हैं, जो भी हमारी कोई गतिविधि रहती है दैनिक जीवनचर्या की हो या कोई विशेष हो, उन सभी को हम स्टेटस पर इसीलिए डालते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको तो डालना ही है। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो केवल हम अपने बारे में सोचते हैं कि महत्वपूर्ण है, औरों को उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप स्टेटस लगा देते हैं तो देख लेते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो अपनी स्वयं को जो हम लोग समाज के सामने प्रदर्शित करने की जो एक होड़ लगी रहती है, एक परंपरा चल पड़ी है सोशल मीडिया पर, जिसको हम लोग महत्वपूर्ण समझने लगे हैं, दरअसल वो इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, वो केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसा आप सभी हमारे प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। चाहें तो इस प्रकार का कोई प्रयोग आप भी करके देख सकते हैं, हम ये नहीं कहते हैं इसी टाइप की कोई बात करिए, लेकिन इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये तो एक वो बात थी जो स्टेटस के माध्यम से हमने अतिरिक्त हमको जानने को मिल गई, और जिस उद्देश्य के लिए हमने ये सब बात कही थी उन पर प्रयोग चल रहा है अभी। कुल मिलाकर के इतना ही कहना था, जो स्टेटस की बात हुई थी सब्सक्रिप्शन लेने वाली, हाँ ये आश्चर्यजनक ज़रूर है कि दो लोगों ने भी सहमति दे दी, ये थोड़ा आश्चर्यजनक ज़रूर है क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि शायद कोई भी ना दे, लेकिन दो तीन लोगों ने सहमति दी है व्हाट्सएप स्टेटस के लिए। आगे फिर कभी बात होगी तो बताएंगे क्या उद्देश्य था इस स्टेटस को सब्सक्रिप्शन मोड पर लगाने का, क्या उद्देश्य था इस बेवकूफ़ी भरे प्रयोग को करने की, क्या ज़रूरत थी कि स्टेटस के लिए हम कोई शुल्क रखें। फिर बात करते हैं, नमस्कार।